हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आपको पता होगा आजकल बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो केवल महिलाओं के नाम से चलती है। जैसे आप राशन कार्ड को देख लीजिए, राशन कार्ड महिला के नाम से बनता है, और सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो महिलाओं को आवंटित किया जाता है, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो केवल महिलाओं के लिए चलाई जाती है। तो उन सभी योजनाओं में दोस्तों महिला के आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। चाहे आप राशन कार्ड ले लीजिए, सरकारी मकान ले लीजिए, या दोस्तों अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद अगर महिला पेंशन का फॉर्म भरना चाहती है तो उसमें भी उनका आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कम्प्लीट प्रोसेस जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में हम ऑनलाइन महिला का आय प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। तो आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किसी पुरुष का दोस्तों आय प्रमाण पत्र आसानी से बनवा सकते हैं, लेकिन जब हम महिला का आय प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं तो बहुत सी बार क्या होता है, हमारा आय प्रमाण पत्र ज्यादातर रिजेक्ट हो जाता है और हमारा आय प्रमाण पत्र नहीं बनता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपको क्या क्या सावधानी रखनी है आय प्रमाण पत्र बनाते टाइम, आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, कितनी फीस लगने वाली है, और कितने दिन में आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा जो आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट ना हो। तो वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले आपको सिटीजन ई साथी लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपसे एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। बहुत से लोग दोस्तों इस पोर्टल को यहाँ पर पहले से यूज करते होंगे, तो यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस पोर्टल पर आईडी नहीं बनाई है तो बिल्कुल फ्री में यहाँ पर लॉगिन उपभोक्ता पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों केवल एक मिनट में आप आईडी बना सकते हैं। आईडी आपको कैसे बनानी है उसका प्रोसेस मैंने एक अलग वीडियो में बताया हुआ है, उस वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा आईडी पासवर्ड पहले बना हुआ है तो मैं यहाँ पर कैप्चर कोड डाल लेता हूँ और सबमिट करके लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों ₹15 का पेमेंट करके आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ से आय, जाति और मूल निवास बनवा सकते हैं। और दोस्तों अब इस पोर्टल से राशन कार्ड बनने भी शुरू हो चुके हैं, जो यहाँ पर आपको ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विस में मिल जाएंगे। राशन कार्ड आपको कैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर भी पहले वीडियो बना चुका हूँ। और दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट आप इस पोर्टल से अप्लाई करते हैं उन्हें यहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन महिला का आय प्रमाण पत्र दिखा देता हूँ जो मैंने इस पोर्टल से बनाया है और हमारा बनकर भी आ चुका है। उसके बाद प्रोसेस बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो मैं डाउनलोड करने के लिए निस्तारित आवेदन पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है, तो मैं इनकम वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद जितने भी आपने आय प्रमाण पत्र आपके बन के आ चुके हैं उनकी सभी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। मैंने यहाँ पर 2022 में ही आय प्रमाण पत्र बनाया है, हमारा कल ही बनकर आया है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, 6 नंबर पे क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा आय प्रमाण पत्र आ चुका है, और जो हमारे आय प्रमाण पत्र बनने की डेट है 3/11/2022 को हमारा आय प्रमाण पत्र बना है। और मैं इस पर क्लिक करके आपको आय प्रमाण पत्र दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा आय प्रमाण पत्र इस तरीके से आ चुका है, यहाँ पर जारी करने की तिथि भी आ चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, महिला का फोटो है जो हमने आय प्रमाण पत्र हमारा बना है। और दोस्तों इनका आप नाम देख सकते हैं, एक महिला का आय प्रमाण पत्र है। यहाँ पर इनकी आवेदन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर आ चुका है, और नीचे दोस्तों इनकी पूरी पर्सनल डिटेल आ चुकी है। और जो हमारा आय प्रमाण पत्र कितनी आय का बना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा ₹5,000 मंथ का बना है। अगर आप दोस्तों कम का बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर कम का बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी आय आप रखना चाहते हैं उतनी आय का यहाँ पर बनवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर शादीशुदा महिला का इस पोर्टल से आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हमें अपना आय प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं दोबारा से बैक आ चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा आय प्रमाण पत्र, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप पुरुष का, महिला का, किसी का भी आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। सबका प्रोसेस दोस्तों पूरी तरीके से सेम है। सबसे पहले दोस्तों आपको सेवा का प्रकार सिलेक्ट करना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में नाम डालना है। उसके बाद पिता या पति का नाम यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद दोस्तों माता का नाम यहाँ पर डालेंगे, मकान नंबर डालेंगे, मोहल्ला डालेंगे, जनपद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तहसील सिलेक्ट करेंगे, और दोस्तों ग्राम कौन सा है आपका वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर टिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर व्यवसाय में आप मजदूरी लिख देंगे। उसके बाद पूछा जाता है परिवार का विवरण कि परिवार में कितने मेंबर है, जितने भी मेंबर परिवार में हो वो यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों परिवार के मेंबर को यहाँ पर नाम डाल लोगे, जितने भी मेंबर परिवार में हो यहाँ पर आप महिला का और उनके पति का नाम डाल देंगे, और यहाँ पर दोस्तों व्यवसाय डाल देंगे। अगर दोस्तों महिला के नाम से आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो महिला की जितनी भी आय हो वो यहाँ पर आप डाल देंगे, और हस्बैंड की आयु में यानी पति की आयु में यहाँ पर आप 0 डाल देंगे। फैमिली मेंबर के नाम ऐड करने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर बहुत सारी आय यहाँ पर दिखाई गई है, इनमें आप कुछ भी नहीं करना है। केवल दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा अन्य स्रोतों से आय, यहाँ पर अन्य स्रोतों से आय में आपको जो भी सालाना आय हो यहाँ पर आपको डाल देनी है। उसके बाद निकल दोस्तों कुल वार्षिक आय, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा जब दोस्तों यहाँ पर आप दोस्तों महिला की आय डाल देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है
क्या इससे पूर्व आय प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो यहाँ पर यस या नो करेंगे, यहाँ पर आप नो रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है सेवा शुल्क का भुगतान कर दिया, तो यहाँ पर आप यस रहने देंगे। उसके बाद दोस्तों राशन कार्ड या परिवार की आईडी यहाँ पर मांगी जाती है, अगर आपके पास राशन कार्ड हो तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद पूछा जाता है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, किस कारण से आप प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और कारण है तो यहाँ पर अन्य पे क्लिक करके यहाँ पर वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे मेन इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको क्या क्या लगाने हैं। तो डॉक्यूमेंट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए, दूसरा आधार कार्ड की दोनों तरफ से फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, तीसरा दोस्तों आपके पास राशन कार्ड या बिजली का बिल कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और दोस्तों चौथा डॉक्यूमेंट हमें अपने सभासद से, पार्षद से या ग्राम प्रधान से एक लेटर पैड लिखवा लेना है कि हम क्या काम करते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड लेकर सभासद या पार्षद के ऑफिस में जाना होगा, वो अपने लेटर पैड पे लेटर लिख देंगे, वो लेटर यहाँ पर आपको वेतन पर्ची में अपलोड करना है, और आधार कार्ड को दोस्तों अन्य वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करना है, और एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, तो यहाँ पर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस तरीके से घोषणा पत्र आपको मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पर आप महिला का नाम डालेंगे, उसके बाद उनके पति का नाम डालेंगे, उनकी एज डालेंगे कितनी एज है, और यहाँ पर किस सन में उनका जन्म हुआ वो डालेंगे, उनका व्यवसाय मजदूरी डालेंगे, उनका यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डालेंगे स्थान में भी, और नीचे दोस्तों दिनांक डाल देंगे, उसके बाद दोस्तों उनका अंगूठा या सिग्नेचर कराएंगे, उसके बाद महिला का नाम डालेंगे, और ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र में। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद पूरा फॉर्म अच्छी तरीके से फिल करने के बाद आपको दर्ज करें पे क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ₹15 का पेमेंट करना है, ₹15 का पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। मैं दोस्तों आपको फाइनल सबमिट करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जिस महिला का मुझे बनवाना था आय प्रमाण पत्र उनका मैं यहाँ पर बनवा चुका हूँ, और इस फॉर्म को भरने का पूरा प्रोसेस क्या है, पेमेंट आपको कैसे करना है, उसके ऊपर मैं पहले आय प्रमाण पत्र बनाने की वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपसे हिंदी में टाइपिंग नहीं आती है तो इंग्लिश में भी टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप गूगल इनपुट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर आप इंग्लिश में लिखेंगे वो यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, उसे कॉपी करके दोस्तों यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट 10 से 15 दिन में बन जाएगा, डॉक्यूमेंट बनने के बाद दोस्तों आपका निस्तारित आवेदन में आ जाएगा, यहीं से दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट बिना मोहर के बिना साइन के सभी जगह वैलिड होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप उत्तर प्रदेश के सिटीजन पोर्टल से किसी भी शादीशुदा महिला का आय प्रमाण पत्र आसानी से बनवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।